भाई साहब ये क्या है? ओ भाई ये क्या है? न्यू लॉ नहीं, न्यू बैग पैक। सॉरी सॉरी सॉरी। सुरेश आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा न्यू स्पॉन आइलैंड, जहाँ पे आप लोग 30 सेकंड तक वेट करते हो ना जब आप क्लासिक या फिर रैंक स्टार्ट करते हो, तो वो वाला दिखाने वाले हो जो हमारा 4th एनिवर्सरी के टाइम पे आएगा। इसी के साथ में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इलीट मोको के बारे में कि इलीट मोको का क्या सीन है। और तो और गाइस 4th एनिवर्सरी में बहुत सारे न्यू मोड्स भी आएंगे, वो भी आज इस वीडियो में दिखाने वाले हो, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, काफी ज्यादा मजा आएगा। और गाइस ये वाला जो बंडल आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो क्या आपको पता है कि 4th एनिवर्सरी के टाइम ये वाला बंडल हमें बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा? तो गाइस किस तरीके से बंडल क्लेम करना है वो भी आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए गाइस, कि आपको पता है कि आपको बिल्कुल ही फ्री में मैजिक क्यूब मिलेगा, और सिर्फ मैजिक क्यूब ही नहीं कस्टम कार्ड भी मिलेगा। तो किस तरीके से, और इंडिया सर्वर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? तो गाइस किस तरीके से आपको मैजिक क्यूब और कस्टम कार्ड मिलेगा वो भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा मजेदार होने वाला है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, कतई बूम-बम मचाएंगे, ठीक है? सो गाइस 24 तारीख को हमारा 4th एनिवर्सरी है, ठीक है, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा खुश होगे। बट गाइस मैं सोचा नहीं था कि ये बात मुझे मतलब नॉर्मली इस तरीके के वीडियोस में बताना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि ये टाइम आ चुका है कि मुझे आप लोग को अभी बता देना चाहिए जो सच है। तो गाइस देखो मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैं चाहता तो नहीं था कि ये बात बताना, बट हाँ गाइस हमारा जो फ्री फायर है वो फाइनली 4 साल का होने वाला है। कैसा लगा मेरा मजाक? और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हमारे फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले बहुत ही सारे अपडेट्स के बारे में, और कतई बूम-बम वाला अपडेट होने वाला है जिसको देख के आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, मतलब आप भी बोलोगे यार आज तो कतई स्वाद आ गया। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, काफी ज्यादा मजा आएगा। और हाँ गाइस जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, जो भी बंदे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, मजाक नहीं करो यार, सीरियसली बता रहा हूँ कि हमारे गेम के अंदर जो भी न्यू अपडेट न्यू इवेंट या फिर कुछ भी न्यू रिलेटेड चीज आने वाली होती है और उसका क्या सीन होता है इसके ऊपर सबसे पहले तुम्हारा भाई वीडियो बना के दे देता है, मतलब थारा भाई सुब सबसे पहले वीडियो बना के देता है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जो भी न्यू मेंबर आ रहे हो और जो पहले से सब्सक्राइब करके रखे हो। देखो लाइक तो करना पड़ेगा, देखो शर्माओ ना, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? तो चलो गाइस हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग को समझा देता हूं क्या हमारा न्यू अपडेट है, क्या न्यू इवेंट है, क्या सीन है, ठीक है? चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। सो गाइस क्या आप भी फ्री फायर के टूर्नामेंट्स खेल के पैसे कमाना चाहते हो? सो गाइस मैं आपको एक कमाल के एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है किलवेन। गाइस ये एप्लीकेशन मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज यहाँ पे आपको फ्री फायर के बहुत सारे टूर्नामेंट्स मिल जाएंगे लो प्राइस पे। यहाँ पे फुल मैप टूर्नामेंट्स तो आप खेलोगे, बट इसी के साथ में क्या आपको पता है कि आप यहाँ पे क्लैश स्क्वाड के टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हो। और हाँ एक बात और, की अगर आपको गलती से भी गेम में हैकर देखने को मिल गया तो उसी टाइम आपके पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे। सो गाइस आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके इसे आपको डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आप जैसे यहाँ पे किसी भी कस्टम को ज्वाइन करने के लिए क्लिक करो, यहाँ पे ना आपको बस अपना नेम एंटर कर लेना है जो भी आपका नाम होगा, और उसके बाद बूम गाइस आप कस्टम में ज्वाइन कर लोगे। उसके बाद मस्त आओ गेम खेलो, पैसे जीतो और फ्री में अपना टॉप अप वॉप अप जो भी चाहो आपको कर सकते हो, ठीक है? तो जल्दी जल्दी जाओ और डाउनलोड करो। गाइस अपडेट का स्टार्ट इलीट मोको के साथ। सो गाइस यहां पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलीट मोको का क्या सीन है, ठीक है? सो गाइस एक्चुअली मैं बात क्या कि हमारा जो इलीट मोको है वो OB29 के अपडेट आते के साथ ही मिल जाएगा, मतलब उसके लिए आपको एनिवर्सरी तक का वेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको 4 तारीख के बाद ही हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा हमारा इलीट मोको, ठीक है? बट गाइस इलीट मोको का क्या सीन है, क्या हमें वो फ्री में मिलेगा, क्या उसके लिए हमें डायमंड उड़ाना पड़ेगा, क्या सीन है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? सो गाइस देखो एक्चुअली इलीट मोको का क्या सीन है मैं आपको समझाता हूं कि इलीट मोको जिस तरीके से आप कैली ये सब कैरेक्टर को अपग्रेड करते हो ना, जैसे आपको ही पता होगा कि कैली को इलीट कैली बनाने में हमें कोई भी डायमंड नहीं लगता, हयातों को करने में नहीं लगता है। सो जस्ट उसी टाइप का सीन होने वाला है कि आपको इलीट मोको को इलीट मोको में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी डायमंड की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट गेम को खेलने होगा या फिर आपको तो पता ही होगा यार कैसे कैरेक्टर को लेवल अप करते हैं। तो जस्ट वही सीन है जिस तरीके से आपने कैली को इलीट कैली में कन्वर्ट किया होगा, उसी तरीके से आपको मोको को भी इलीट कैली में, जस्ट चिल ब्रो, आराम से हो जाएगा, ठीक है? सो गाइस चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा मैजिक क्यूब और कस्टम कार्ड। उससे पहले गाइस यहां पे हम लोग न्यू लॉबी को देखते हैं, ठीक है? न्यू लॉबी नहीं बोलेंगे, स्पॉन आइलैंड बोल सकते हैं, ठीक है? जहां पे गाइस हम लोग को 30 सेकंड तक वेट करना होता है मैच स्टार्ट होने तक। तो ये किस तरीके का होने वाला है भाई, बहुत ही धमाकेदार है भाई, मतलब कहते हैं बूम-बम है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं किस टाइप का ये होने वाला है। गाइस मुझे नहीं पता क्यों बट ये 2nd एनिवर्सरी का बहुत ज्यादा याद दिला रहा है, मतलब शायद से 2nd एनिवर्सरी में भी कुछ इसी टाइप का था, बट जी गाइस हमारा 4th एनिवर्सरी का जो हमारा स्पॉन आइलैंड होने वाला है वो कुछ इसी टाइप का होने वाला है, जिसको हम लोग लॉबी भी बोलते हैं। और आप लोग देख लो भाई को डीजे वेजे, मतलब सेलिब्रेशन चल रहे यार यहाँ तो मतलब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल वाला सेलिब्रेशन हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो एक बंदा नाच रहा है, पता नहीं इसको कौन सा खुशी मिल गया यहाँ पे नाच के। बट हाँ ये कुछ इस टाइप का आपका लॉबी स्पॉन आइलैंड होने वाला है, और काफी ज्यादा तगड़ा भी है। आई थिंक अभी ये पूरा मेड नहीं किया गया है, आई थिंक सो कि आधा ही है, बट हाँ कुछ इस टाइप का होने वाला है और बहुत ज्यादा बूम-बम है गाइस। हाँ एक माल पानी तो छूट ही गया गाइस, ये देखो इलीट मोको के साथ में ये पैन का स्किन, ये ऑग का स्किन, ये स्नैपसस पता नहीं कौन सा गन है वो, स्पार्क जो भी गन बोलते हो उसको, वो वाला गन का स्किन, और
इसी के साथ में आपको एक बैट का स्किन बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा इलीट मोको के साथ, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने बताया, देखो अभी तो सब्सक्राइब बनता है, ठीक है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये इवेंट आपका शो हो जाएगा, मतलब आपको बहुत सारी चीजें इलीट मोको का इवेंट के साथ देखने को मिल जाएगा, समझ रहे हो गाइस। सो गाइस मोको की बात चल ही रही है तो आप लोग भी फटाफट से कमेंट में ये बता दो कि पैसिव स्किल, ठीक है, मैं यहाँ पे एक्टिव स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ, डीजे आलोक कोरोनो स्काइलर ये सब, पैसिव स्किल में आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है उसका नाम फटाफट से कमेंट में बताओ, ठीक है। फटाफट से डीजे एडम को छोड़कर, देखो डीजे एडम बस मेरा इकलौता फेवरेट कैरेक्टर है, डीजे एडम को छोड़कर आपको कौन सा पैसिव स्किल वाला कैरेक्टर है फटाफट से कमेंट में बताओ, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं न्यू मोड्स के बारे में, क्योंकि गाइस आपको पता है 4th एनिवर्सरी काफी ज्यादा बड़ा इवेंट होने वाला है। और हां आपको गाइस क्या याद है, पहले हमारे गेम के अंदर बूया इवेंट आया करता था बहुत पहले, बट अभी नहीं आता यार, पता नहीं क्यों, बट पहले बूया इवेंट बहुत आता था, मतलब बहुत मजा आता था। खैर छोड़ो बूया इवेंट जाए साइड में, अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे कि हमारे 4th एनिवर्सरी में कौन से न्यू मोड्स आएंगे और बहुत ही धूमधड़क्का वाला मोड्स हैं ये सब। सो गाइस ये देखो ये हमारे बहुत सारे मोड्स आने वाले हैं और भाई देख के बहुत ज्यादा सही लग रहा है। आई नो कि इसमें से कुछ हमारे पहले से हम लोग खेल रखे हैं, जैसे बूम स्क्वाड हो गया, रैम्पेज हो गया, उसके अलावा भाई बहुत सारे न्यू मोड्स है यार, मतलब पूरा भर चुका है लिटरली। तो हालांकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है और भाई इतने सारे मोड्स आएंगे तो ये बात तो तय है कि गेम काफी ज्यादा लैग करेगा लो एंड डिवाइसेस पे। भाई मेरा फोन का क्या होगा, भाई मेरा फोन तो रेस्ट इन पीस हो जाएगा, हालांकि मेरा 6GB रैम का फोन है, बट पता है प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मतलब एक तो मुझे रिकॉर्डिंग करना होता है या फिर ये सब करना होता है ना, मेरा फोन का स्टोरेज काफी ज्यादा फुल हो रखा है भाई, अभी के टाइम पे मेरा फोन इतना लैग करता है तो यार उस टाइम क्या होगा सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बट कोई बात नहीं गाइस, मुझे यहाँ पे काम था आप लोग को बताना जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के तरफ। सो गाइस आपको तो पता होगा कि एडवांस सर्वर में मिस्ट्री कैरेक्टर नाम का कैरेक्टर है। सो गाइस ये देखो यही तीनों जो कैरेक्टर है वो है, एक तो अपना इलीट मोको हो गई और दो ये जो था मिस्ट्री कैरेक्टर, तो वो दोनों बाकी ये दोनों कैरेक्टर है जो कि मैंने आपको दिखा दिया। तो फटाफट से अभी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। सो अब मैंने आपको दिखा दिया कौन सा न्यू कैरेक्टर होने वाला है। सो गाइस एट लास्ट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फ्री मैजिक क्यूब, ठीक है, मैं यहाँ पे फ्री बोल रहा हूँ, फ्री मैजिक क्यूब प्लस फ्री कस्टम कार्ड्स के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे डायमंड रॉयल का वाउचर हो गया, वेपन रॉयल का वाउचर हो गया, बहुत सारी चीजें यार। तो किस तरीके से हमें मिलेगा, किस तरीके से क्लेम करना है और एक्चुअली में इसका क्या सीन है वो मैं यहाँ पे आपको फटाफट से समझा देता हूँ। सो गाइस देखो एक्चुअली में बात क्या है कि हमारा 4th एनिवर्सरी जो स्टार्ट होगा, तो गाइस आपको ही पता है कि हमारे गेम के अंदर जितना भी इवेंट आता है वो सबका एक पीक डे होता है, ठीक है। जैसे अभी मैक्लेडन का चल रहा था तो 31 तारीख को पीक डे था, तो उसी टाइप में गाइस हमारा जो 4th एनिवर्सरी होगा उसका भी पीक डे होगा, ठीक है। सो इसका पीक डे होने वाला है 28 तारीख को, ठीक है, आपको पता ही होगा शायद से, और नहीं पता होगा तो मैंने आपको बता दिया कि 28 तारीख को हमारा पीक डे है, ठीक है। सो गाइस देखो आप लोग सोच रहे हो कि यार ये पीक डे को मैजिक क्यूब से क्या रिलेट कर रहा हूं, मतलब इसका तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। सो रिश्ता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। गाइस देखो एक्चुअली में सीन क्या है कि 28 तारीख को जो हमारा पीक डे है, तो पीक डे का जो रिवॉर्ड होगा ना, क्योंकि आपको तो पता ही होगा पीक डे होगा तो रिवॉर्ड तो जाहिर सी बात है कि होगा, तो गाइस हमारा जो पीक डे है उस दिन हमें लॉग इन करते के साथ ही मैजिक क्यूब, अब जरूरी नहीं है कि लॉग इन के साथ ही मिलेगा, कुछ मिशन करने के बदले में भी दे सकते हैं, बट हाँ इतना कन्फर्म है कि 28 तारीख को आपको मैजिक क्यूब मिलेगा, कस्टम कार्ड्स मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। मतलब आप गिनते गिनते थक, नहीं उतना ये ज्यादा होगा, गिनते गिनते थक जाओगे, नहीं इतना भी नहीं मिलेगा, बट आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक है, और जो कि आपको मिलेगा 28 तारीख को, जो कि 4th एनिवर्सरी है और 28 तारीख को आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये वाला बंडल आपको किस तरीके से बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करना है। सो गाइस देखो एक्चुअली में बात क्या है कि ये वाला हमारा नेक्स्ट रैंक टोकन होने वाला है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट रैंक टोकन या फिर न्यू FF टोकन, इन दोनों में से कोई टोकन में मिलेगा, ठीक है। जो रिडीम वाले सेक्शन पे टोकन होता है ना, तो गाइस आपको टोकन वाले सेक्शन पे मिल जाएगा, वो रिडीम टोकन पे भी मिल सकता है या फिर FF टोकन पे भी मिल सकता है, बट हाँ टोकन वाले पे ऑप्शन पे ही मिलेगा, ठीक है। तो बस मेरे भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, तो चलो गाइस बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी शॉट।